गाइस, आज हम आपको राघव शर्मा की पनिशमेंट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो कि रियल लाइफ स्टोरी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, आप समय चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो ईमेल मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी, और स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और स्टोरी एंड तक सुनिएगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राघव अपना 9th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी आंटी के घर गया। राघव वहाँ एक हफ्ते के लिए रुका था। वहाँ पर राघव अपनी आंटी की छोटी बेटी के साथ सोता था। श्रेया राघव से 1 साल छोटी थी। ऐसे ही वहाँ जाने के दूसरी रात राघव को शरारत सूझी। रात के लगभग एक बज रहे थे और राघव ने श्रेया के स्कर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। श्रेया को पता नहीं चला तो उसने सब कुछ टच कर लिया। फिर अगली रात उसने दोबारा ट्राई किया। राघव ने श्रेया के सारे कपड़ों में हाथ डाल दिया, लेकिन अचानक से श्रेया उठ गई। श्रेया ने राघव को ऐसी हरकत करते देखकर शोर मचा दिया। उस दिन राघव के अंकल और आंटी हॉस्पिटल गए हुए थे, लेकिन श्रेया की बड़ी बहन घर पर ही थी। शोर सुनकर अंकिता रूम में आ गई और उस टाइम रात के 1:30 या 2 बज रहे थे। फिर उन दोनों बहनों ने राघव को धमकाया कि अंकल आंटी को बता देंगे, लेकिन राघव के बहुत बार प्लीज़ बोलने पर उन दोनों ने राघव को खुद ही पनिशमेंट देने का फैसला किया। राघव ने भी मान लिया और बस वो दोनों ये बात अंकल आंटी को ना बताएं। उसके बाद अंकिता ने पहले तो राघव को पूरी ताकत के साथ थप्पड़ मारा, फिर श्रेया ने राघव की लोअर और चड्डी खोल दी और अंकिता ने शर्ट उतार दी। अब राघव न्यूड खड़ा था, लेकिन अंकिता चाहती थी कि राघव सारी रात मुर्गा बना रहे, लेकिन श्रेया उसे मारना चाहती थी। फिर श्रेया की बात को मानकर अंकिता भी राघव को मारने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद सबसे पहले श्रेया ने राघव के डिक पर जोर का पंच मारा, जिससे राघव की हालत ख़राब हो गई। फिर राघव को फ्लोर पर लिटा दिया और दोनों ने हाथों से ही राघव को जोर जोर से खूब मारा। यही टॉर्चर 3 बजे तक चला। श्रेया तो और मारना चाहती थी, लेकिन अंकिता ने कहा बाकी की पनिशमेंट सुबह होगी। लेकिन दोनों ने राघव को कपड़े वापस नहीं दिए और रात भर राघव को नींद नहीं आई और ना नींद आ रही थी। फिर सुबह 6 बजे के आसपास श्रेया की एक क्लासमेट दिव्या मॉर्निंग वॉक के लिए पर जा रही थी, तो श्रेया ने राघव को फिर से पनिशमेंट देने के लिए दिव्या को भी बुला लिया। दिव्या को देखकर राघव को और शर्म आने लगी, तो उसने अपना डिक हाथ से छुपाया। ये देखकर अंकिता ने राघव के हाथ पर चप्पल से मारा, जिससे राघव का हाथ हट गया और दिव्या ने भी राघव को इस हालत में देख लिया। फिर सब कुछ पता चलने पर राघव को दिव्या से भी बहुत मार पड़ी। दिव्या किक बॉक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन थी। दिव्या की मार आज राघव को 11th में भी याद आती है। और 1 घंटा राघव को खूब मारने के बाद उसके कपड़े वापस कर दिए। उसके बाद श्रेया से 50 थप्पड़ खाया राघव ने, और फिर जाकर राघव का पनिशमेंट पूरा हो गया। तो गाइस, राघव की स्टूपिड हरकत की सही पनिशमेंट स्टोरी वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? और यहीं पे राघव की पनिशमेंट स्टोरी भी ख़त्म होती है। मेरे अकॉर्डिंग राघव आपको बिल्कुल सही पनिशमेंट मिली। और गाइस, चलते चलते स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टोरी के बारे में और राघव ने जो हरकत की उसके बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबके पास भी अगर कोई स्टोरी हो तो उसे आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप सबको पता ही होगा, मैंने शुरू में भी बताया था, एंड में भी बता रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी।